क्वेश्चन है आपके पास, ये एक ब्लॉक है और हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, आपने कॉपी चेक कर लो, उसमें किया हुआ है पुश और पुल वाला, कि अगर मैं इस बॉडी को यहाँ पर पुल करता हूँ बाय अ फोर्स ऑफ एफ एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो फोर्स के दो कॉम्पोनेंट होंगे एफ कॉस एफ साइन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, वेट नीचे होगा, और ये बॉडी आगे मूव करने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन पीछे होगी। अगर आपको याद आ रहा हो, अपने डायग्राम बना रखे हो, तो ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें लिखवाया था स्पेशली कि मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर किया कि ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। अब जस्ट जस्ट जब करते हैं तो एक्सेलेरेशन जीरो हो जाती है, तो यानी कि एक्सेलेरेशन जीरो, पर मैंने आपको क्वेश्चन में करवाया था मुझे फोर्स की वैल्यू निकाल के दे, बस मैंने मिनिमम फोर्स नहीं करवाया, मैंने आपको सिर्फ फोर्स करवाया। आप चेक कर लें, मैंने मिनिमम या मैक्सिमम की बात ही नहीं की। तो अगर आपने फोर्स निकालनी थी तो आपने क्या किया, सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाला। कैसे? ऊपर की फोर्स है एन प्लस एफ साइन थीटा और नीचे की फोर्स क्या है, एम जी। तो एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब मुझे पता है कि ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा है लेकिन विद नो एक्सलरेशन, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो ऐसे केस में एफ कॉस थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, पर एक्सलेशन तो है ही नहीं, तो आगे और पीछे की फोर्स बराबर। एफ की वैल्यू क्या होती थी, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन आपने ऊपर से ही निकाल रखे, ऊपर से निकाल के नीचे पुट कर दिया, इसे सॉल्व किया, कॉमन लिया, चेक कर लो अपनी कॉपी, एफ का फॉर्मूला ऑलरेडी आप निकाल चुके अपनी कॉपी में, दो बार किया है क्वेश्चन, एफ का फॉर्मूला आ गया था, पर क्वेश्चन यहां पर एफ का है ही नहीं। अब क्वेश्चन है कि बताओ मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, मैं कितने एंगल पर फोर्स लगाऊं, 30 पे लगाऊं, 40 पे लगाऊं, 60 पे लगाऊं, ताकि मेरी फोर्स कम से कम लगे, ये बॉडी हिल भी जाए और मेरी फोर्स कम से कम लगे। अब मुझे एक ऐसा एंगल ढूंढना है जब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम। और फिजिक्स में मैक्सिमम मिनिमम किया था, किसी भी चीज को मिनिमम या मैक्सिमम करना हो उसको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट और इक्वल टू जीरो, और किसके विद रिस्पेक्ट टू करना होता है, जो चीज निकालनी है, क्या निकालनी है, इसमें पूरे में वेरिएबल कौन है, थीटा, क्योंकि एंगल थीटा बताना है, क्योंकि म्यू एम जी सब कॉन्स्टेंट है, तो आप एफ को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इक्वल टू जीरो कर दें। तो आप इस पूरे एफ की वैल्यू को यहां पर पुट करें, कैलकुलस सबको आता है, म्यू एम जी कॉन्स्टेंट जीरो से कट गया तो सिर्फ ये टर्म बच गई, फिर यू अपॉन वी का फॉर्मूला सबको आता है, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। याद आ रहा ना कैलकुलस किया करते थे जब हम, जब आपने फैसला कर लिया था नॉन मेडिकल के लिए मैं फिट हूँ या मेडिकल के लिए फिट हूँ, ये वही चैप्टर है। तो इसमें कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन जीरो हट गया, ये टर्म जीरो से कट गई, ये माइनस वन भी जीरो से चला जाएगा, माइनस वन भी हट जाएगा, आपके पास सिर्फ माइनस ये पूरी टर्म बची बस, क्योंकि ये भी जीरो से गया, ये तो पूरा जीरो हो गया, ये टर्म बच गई। अब माइनस जीरो से कट गया, ये भी चला जाएगा। कॉस थीटा की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, माइनस साइन, और साइन की क्या होती है, कॉस, इसे सॉल्व करके टैन थीटा म्यू आएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आएगा कि बताओ थीटा किसके इक्वल हो ऐसे केस में जब फोर्स मिनिमम हो, तो क्या ऑप्शन मार्क करेंगे, टैन इनवर्स म्यू। और पता नहीं क्यों, क्या खास बात है, टैन थीटा और म्यू का कुछ खास ही नाता लगता है, हर बार यही आंसर आ जाता है, टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू, आपको नहीं लगता, यही लगता है। तो मैं बहुत साल से पढ़ा रहा था, तो मैंने यही सोचा, आज पहली बार सोचा, मैंने कहा यार पता नहीं क्या चक्कर है, टैन थीटा म्यू आंसर बाई चांस भी यही आंसर आ जाते हैं, साइन थीटा म्यू नहीं आता, कॉस थीटा म्यू नहीं आता। फिर मेरे को ऐसा लगा कि म्यू की वैल्यू वन से बड़ी हो सकती है, और साइन थीटा म्यू तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि साइन थीटा अगर म्यू है, अगर म्यू वन से बड़ा हो गया, साइन थीटा वन से बड़ा अलाउड नहीं है, कॉस थीटा भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए टैन थीटा तो अलाउड है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू। चलो वो चांस की बात है, लेकिन अपने आप आ गया, बात अलग है, बट समझ में आ रहा है क्या ऑब्जेक्टिव ऑप्शन मार्क करेंगे। इसी का तीसरा क्वेश्चन आएगा, या तो देखो फोर्स आएगी, अगर आएगी फोर्स फिर तो ये मार्क कर देना, अगर आएगा कि बताओ फोर्स मिनिमम करनी है, एंगल क्या हो, टैन इनवर्स म्यू मार्क कर देना, और अगर वो कहे कि मुझे तो मिनिमम फोर्स चाहिए, ये तो फोर्स है मुझे मिनिमम फोर्स चाहिए, तो टैन थीटा की जगह क्या पुट करना है, म्यू। कैसे, अगर टैन थीटा की वैल्यू म्यू है, म्यू बाय वन, तो ये हाइपोटेन्यूज वन अपॉन ये टर्म आ जाएगी,
यहाँ से साइन थीटा ये आ जाएगा और कॉस थीटा ये आ जाएगा, और टेन थीटा म्यू से साइन और कॉस भी निकाल लिया। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू मिनिमम है। अगर टेन इसके इक्वल है या कॉस इसकेल है या साइन है, तो तीनों कंडीशंस हैं जब फोर्स मिनिमम है। तुम्हें मिनिमम फोर्स निकालनी है, तो तुम्हारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला डराइव किया अभी आपने, उसमें कॉस की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, साइन की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिख जाएगा आपको, मार्क कर लेना। ये एक्स्ट्रा स्टेप है इसका।